तो और भाई लोग क्या हालचाल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले वाले क्लच में आवाज क्यों नहीं था, तो बात ऐसी है कि वो क्लच लगा था रात में, और रात के वक्त जब सबके घर में सब लोग सोए रहता है, यहाँ मेरे टीममेट दबा दबा के गाली देते हैं। खैर पहले तो मैं इस बंदे को पकड़ता हूँ, अब आगे देखते हैं। मतलब कि हम ओडिन को बचाने आए और हम ही नॉक हो गए। इधर आ इधर। अब जरा हमारे भाई की बातें सुनो। बोलते हैं कि हम बचाने आए, लेकिन ये बात सबको पता है कि भाई पूरे जोश के साथ किल लेने आए थे, और नॉक हो गए तो कुछ ना कुछ बहाना तो देना पड़ेगा ही, नहीं तो भाई की बची खुची इज्जत भी उड़ जाएगी। वैसे इज्जत है भी नहीं। खैर वहां पे अब क्लियर करके हम लोग यहाँ पे आगे आ जाते हैं, और तभी मुझे एक बंदा ओपन में दिखता है। अब मैं AKM और फेरस साइड से इस बंदे को तो पकड़ लेता हूँ, तो अब हम लोग इस बिल्डिंग में रश कर देते हैं। अरे यार वो खत्म हो गया, ऊपर एक बहुत डैमेज है। हाँ मारी है हेल्थ आराम से। अब पता नहीं यहाँ पे क्या ही हुआ, मैं ऊपर वाली सीढ़ी से लड़खड़ा के नीचे वाले सीढ़ी पे गिर गया, और मेरा टीममेट आके एक ऐसे बंदे को मार गया जो बेचारा हेल्थ मार रहा था। खैर कोई नहीं, मुझे DP मिलती है, मैं DP रिलोड करता हूँ, और एक बंदा आगे ओपन में दिखता है। और भाई जो वो DP का स्प्रे मैंने मारा था ना, उसके लिए मेरे पास एक शब्द तक नहीं है बोलने के लिए, एक शब्द तक नहीं है। खैर उन लोग का तो कोई टीममेट वहां पे होता नहीं, तो उन लोगों को मार के हम लोग यहाँ आ जाते हैं, और तभी एक गाड़ी दिखती है। और जिस जज्बे जोश और रफ्तार के साथ ये लोग आए थे यहाँ पे, उससे दुगने रफ्तार के साथ जाएंगे वापस लॉबी पे इस बॉट के साथ। अब वहां पे सीन लिपटा के हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और तभी मुझे ये बगी दिखती है। अब पता नहीं क्यों मेरा स्कोप यहाँ पे नहीं खुलता, तो मुझे नीचे कूद के आना पड़ता है। ये सिमेट्री साइड में। अबे बगी सब आ रहा है यार कोई। अब मेरा टीममेट इस स्क्वाड को तो मार देता है, लेकिन यहाँ पे जो इतनी सारी बगी और गाड़ियां घूम रही होती है ना, ये लोग थर्ड पार्टी करने के पूरी फिराक में होते हैं। अब मेरा टीममेट नॉक हो चुका है, अब जो करना है मुझे ही करना है। तो मैं सबसे पहले अपने एक भाई को रिवाइव देता हूँ, क्योंकि एक से भले दो। और इस बंदे की भी अपनी ही चौड़ है, बंदा ओपन में रिलोड करते करते आ रहा है। अब उन लोगों को मार के मैं आता हूँ यहाँ पे गाड़ी लेने, और तभी एक बंदा राइट से गोलियां चलाता है। अब उस बंदे को लिपटा के जो बचे खुचे बंदे वेयरहाउस में, अब इनकी बारी है। चल पीछे से। अरे चलो तो। ये लोग तो तीन ही बंदे होते हैं, और मुझे यहाँ पे एक किल तक नहीं नसीब होता भाई, एक किल तक नहीं। ऊपर है। अब वहां पे तो कुछ नहीं मिलता किल के नाम पे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ कि क्या पता जिंदगी में कुछ किल के नाम पे मिल जाए। अरे
और ये भाई हमारे आदत से लाचार यहाँ ग्रोजा लेके लेटे हुए हैं भाई। जिंदगी में ग्रोजा मिलती है तो चौड़ होती है, लेकिन ये भाई तो आदत से लाचार है, भाई को तो साफ ही बनना है। खैर क्या ही कर सकते हैं, अब आगे गाड़ी आती है तो मैं इन्हें पकड़ने आगे आ जाता हम हूँ। चलाते पाइलट सब होते रहेगा। रेस्क्यू देखते और मैं इस बंदे का शुक्रगुजार हूँ कि भाई कम से कम सामने आ गए, नहीं तो दो नेट फेंक के तो मैं अपनी बेइज्जती करवा ही चुका था, तीसरा भी फेंक देता तो और हो कर जाती। लिए। अब रश करके मैं यहाँ किसी तरह 2 किल निकाल लेता हूँ किसी तरह। गया और अब इन लोगों की बारी जो लोग पहले यहाँ से गाड़ी लेके निकले थे। गेट के बाहर है, गेट के बाहर और वो तो बहुत अच्छा हुआ कि भाई की MK प्री फायर में ही बर्बाद हो गई, और जब मैं घुसा तो भाई रिलोड मार रहे थे। खैर अब उन लोगों को मारने के बाद एक आखिरी सांप बचा होता है जो मुझे यहाँ पे दिखता है, और यहाँ पे पता नहीं कैसे मेरा फोन का स्क्रीन अटक जाता है, तो मैं किसी तरह वापस उंगली हटा के लगाता हूँ और यहाँ पे आके गाड़ी रोकता हूँ। अरे यहाँ पे देख, यहाँ पे इधर मार्क द लोकेशन। और यहाँ पे पैन पैन के चक्कर में अपने भाई के साथ मैं भी खेलने वाला होता हूँ, लेकिन हमारे ओडिन भैया बचा लेते हैं। बहुत जल्दी मार।